Hello, my friend. How are you? I hope you are very fine. You are very well. You can take enjoy my videos and like my video and share my videos. आज हम आपको एक ऐसे कैमरे के बारे में रूबरू कराएंगे जिसमें सोनी की कंपनी से कैमरा बनाया गया था, जिस कैमरे में ये रिएक्टिव किरणें डाली गई थी, यानी कि उन कैमरों से आप एक पार से दूसरी पार से देख सकते थे। तो उसी कैमरे के बारे में हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको इस वीडियो को कंप्लीट रूप से समझाएंगे। तो ठीक है, आप देखें हमारी इस वीडियो को और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोस। ओके, ये कोई नई बात नहीं है। जब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर अपने ही प्रोडक्ट्स को वापस कंपनी में मंगा लिया और ऐसा इसलिए होता है, या तो उसमें कोई बग होता है या उसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है जो शायद कस्टमर्स के पास में नहीं होनी चाहिए थी। और अगर ये किसी ऐरे गहरे इंसान के हाथ में, जिसे ABCD भी नहीं आती उस चीज की, ऐसे आदमी के हाथ में लग जाए ये चीज, तो शायद ये खतरा भी बन जाती है, या उसमें कोई ऐसा फीचर इन्वॉल्व हो जाता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और कंपनी को फिर अपने प्रोडक्ट्स को वापस मंगा लेना पड़ता है। और ऐसा ही हाल ही में एक प्रोडक्ट देखने को मिला था जो सैमसंग नोट 7 था। इस फोन की या तो अपने आप ही बैटरी फट जाती थी या रखे रखे मोबाइल में आग लग जाती थी, और इसी वजह से सारे नोट 7 जो थे कंपनी ने वापस मंगा लिए थे ताकि और कस्टमर्स को इससे कोई भी परेशानी जो है वो फेस ना करनी पड़े। और ऐसा ही एक बग कह लीजिए या एक क्रीपी फीचर कह लीजिए जो सोनी के कैमरे में देखने को मिला 1998 में, यानी कि 1998 में, जब पूरे के पूरे कैमरेज जो है वो कंपनी ने वापस मंगा लिए थे। बात ये नहीं थी कि उसमें कोई बग था या उस कैमरे में कोई दिक्कत थी, बट उसमें एक ऐसा फीचर इन्वॉल्व कर लिया था कस्टमर ने खुद ही कि कंपनी को वापस की वापस सारे कैमरे जो थे मंगाने पड़े। बात ये थी कि इस कैमरे से कपड़ों के आर पार भी देखा जा सकता था, और ये जो सोनी का कैमरा था इससे नाइट विजन में भी बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग और फोटोज लिए जा सकते थे। और इसका एक फीचर था जो कि था नाइट शॉट, जिसमें घुप अंधेरे में, यानी कि बिल्कुल लाइट ना हो तो भी ये बिल्कुल क्लियर फोटोज ले सकता था, जिसमें IR टेक्नोलॉजी यानी कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। लेकिन यही इंफ्रारेड जो थी एक मुसीबत बन गई। अब हुआ ये कि कुछ चीजें जो थी वो एब्जॉर्ब कर लेती थी इंफ्रारेड रेस को, और इसी की वजह से ये मुमकिन हो पाता था कि उनके आर पार भी देखा जा सकता था उस कैमरे की मदद से। चलिए आपको एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं ताकि आप समझ सके। I'll stick my hand in the bag, which is in right now, and you can see right through the bag. I will put it on my head, just to let you know. And you can still see through me. Anything that'll pass thermal through it, like if this is insulated, obviously my head would be black. But the fact that it's not insulated, you can see right through it. All right, so you guys can see my cat in the background there. Obviously the heat of my cat is more prominent over the surrounding area. How the camera works is obviously it's gonna pick up on the hottest temperature in the room and accentuate that. So if there's used as security, if there's a man running in a parking lot, he would appear very bright because he is much hotter than the surrounding atmosphere. Where am I? Was that me? It's your I have like hot spots. You gotta go, yeah. What's wrong you gotta with stand me? Back though. Fix your face, like, cross legged, further back. Add your glasses. Take Z for the glasses. Do not allow heat through them. Looking cool. अब इस कैमरे से इतना तो नहीं था कि पूरा प्रॉपरली साफ दिख जाता था आर पार का, बट ये जरूर था कि कोई कपड़ा है, जो मटेरियल है, जो इतना पतला है या कह लीजिए कि बहुत ही थिन है, उसके आर पार बहुत आसानी से देखा जा सकता था, यानी कि उसके अंदर भी कोई लेयर जरूर होगी, तो उसे भी देखा जा सकता था इस कैमरे की मदद से। और ये लुभा रहा था लोगों को इसी वजह से क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई कैमरा जो था वो आर पार देख पा रहा था। और हम सभी जानते हैं कि मीडिया की पावर कितनी होती है। जब लोगों की नज़र में ये चीज़ें आई
तो ये अखबारों में और मीडिया में भी प्रकाशित होने लगी। और जब सोनी की नजर इस पर गई तो सोनी ने तकरीबन 70,000 कैमरों को वापस मंगा लिया था। और ये जो कैमरा था वो सोनी हैंडीकैम की 717 सीरीज का सबसे फेमस कैमरा हुआ था उस वक्त। ब्लैक मार्केट में तो ये कैमरा डबल कीमत पर या ट्रिपल कीमत पर भी बिकने लगा था। अब इंफ्रारेड क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इंफ्रारेड, जिसे हम शॉर्ट में IR भी कह सकते हैं, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही होती है। ये वेव लाइट से लंबी, यानी जितनी एक इंसान आंख लाइट से देख सकता है ये उतनी ही लंबी होती है और माइक्रोवेव से छोटी होती है। और अगर आपको प्रिज्म का जो फैक्टर है, यानी कि उसमें जो रंग जो होते हैं वो स्कैटर होते हैं, अगर वो जानते हैं आप, तो इंफ्रारेड का मतलब यही होता है, यानी कि बिलो रेड, यानी कि लाल से नीचे। अब लाल से नीचे जो लाइट्स होती है उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, और बैंगनी कलर या कह लीजिए पर्पल कलर, उससे ऊपर जो लाइट होती है उसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। और इन दोनों रेज को ही हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और हर चीज की अपनी अपनी एक इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि हर चीज जो है वो एक IR प्रॉपर्टीज को अपने आप से एक्सट्रैक्ट करता है। और यही जो टेक्नोलॉजी है वो उन कैमरों में डाल दी गई, जिसकी वजह से स्पष्ट तौर पर तो नहीं पर उन कैमरों से आर पार जरूर देखा जाने लगा था। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन और नए